हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज एक न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में जिसमें गाइस आपको एमसी स्टैन का जो सॉन्ग है उस पर रील्स क्रिएट करके बताऊंगा, एडिट करके बताऊंगा गाइस, जो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। गाइस सॉन्ग अभी जस्ट ट्रेंडिंग पे गया है और गाइस मिलियन रिव्यूज आ रहे हैं। जो बर्ड के साथ जो थंडर इफेक्ट यूज कर रहे हैं ना, और जो लिरिक्स है जिसके साथ पेंडुलम यूज किया गया है, आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में एडिटिंग मिलेगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, उसके बाद आप लोग कमेंट करते हो ये पार्ट हमें समझ नहीं आया, तो भाई वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो पूरा लास्ट तक देखो तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया हूँ कि आप लोग लिरिक्स कैसे एडिट करो, कैसे ऐड करोगे बर्ड पीएनजी वगैरह सब कुछ ऑल टोटल। और हमारे भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से प्रेस करना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है गाइस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एमसी स्टैन के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की समझिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। यहाँ से गाइस जो है मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, आपके पास नहीं तो मेरे टेलीग्राम से आप लोग जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस मैंने ऑलरेडी जो वीपीएन है उसको कनेक्ट करके रखा है, तो आप लोग भी वीपीएन कनेक्ट कर लेना। ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो है कैपकट एप्लीकेशन ओपन होगा और अच्छे से चलेगा। जो भी आप लोग इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो, एनिमेशन वगैरह यूज़ होगा, तो आपको जो है वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से मैंने जो है वीडियो एक ऐड कर लिया, इसको हम लोग जो है नीचे कर देंगे। ठीक है, इसमें गाइस हम लोग जो है लिरिक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह मैं यहाँ से फटाफट से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद गाइस अपने को ऑडियो को भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको नीचे में जस्ट शो हो रहा है ऐड ऑडियो, तो यहाँ पे गाइस मैं सिंपली पहले जो है वीडियो का था उसको साउंड को पूरा म्यूट कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपको नीचे ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऐड ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से गाइस आपको एक्सट्रैक्ट्स पे जाना है, और यहाँ से गाइस आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिसमें म्यूजिक है। तो यहाँ से गाइस हमारा म्यूजिक आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से गाइस आपको प्ले करके बराबरी से जो लिरिक्स है ना अच्छे तरीके से लिखना है, बारी बारी से। ठीक है, दो दो फंड है, सॉरी फंड बोलता हूँ, फंड नहीं, जो लिरिक्स है ना वो दो लिखना है हमें। ठीक है, दो दो। तो यहाँ पे आपको वीडियो की स्किप नहीं करना है, तभी आप लोग बारीकी से समझ पाओगे कि मैं जो एडिट करूंगा जिसमें गाइस हम लोग पेंडुलम का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं जो है लिरिक्स को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको जो है लिख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लिरिक्स है एक दिन, ठीक है, एक दिन, उसके बाद प्यार। तो यहाँ पे गाइस हम लोग जो है एक दिन लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको फंड देखने को मिल जाएगा, आप लोग जो भी डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, और तभी डाउनलोड कर पाओगे जब आपका वीपीएन कनेक्ट हो। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, क्योंकि आप लोग फिर बाद में डाउट होते हो और कमेंट करते हो, तो आपको वीपीएन कनेक्ट करना है तभी ये जो है अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और आप लोग वीपीएन कनेक्ट नहीं करोगे तो इसमें डायरेक्ट आपको बता देगा नो कनेक्टिंग। ठीक है, तो आपको कनेक्ट कर लेना है वीपीएन। यहाँ से गाइस हमारे जो लिरिक्स है मैंने एक दिन यहाँ पे लिख लिया, इसको मैं फुल साइज कर लूँगा। मैंने फंड भी इसमें ऐड कर लिया था, आप लोग ने देख लिया। ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप से फुल साइज करेंगे। इसके बाद गाइस जैसे जैसे जो सॉन्ग है ना उसी के हिसाब से जो हमें लिरिक्स चेंज करते जाना है। तो यहाँ से गाइस मैं स्प्लिट करूँगा, सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ स्प्लिट मिलेगा, स्प्लिट करना। इसके बाद फिर से लिरिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको जो है फिर से इसको एडिट कर देना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्यार। तो यहाँ पे जो लिरिक्स है एमसी स्टैन लवर हो तो गाइस नीचे जो है कमेंट जरूर से कर देना, और लाइक किया नहीं तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है, ट्रेंडिंग वीडियोस, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जो हमारे लिरिक्स है उसको आपको एकदम बारीकी से एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये सॉन्ग ही ना एकदम तबाही है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है पेंडुलम को यूज़ करेंगे तो काफ़ी ओपी लगेगा और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहेगा। इस आप लोग लिरिक्स पर पेंडुलम देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत आधा या डेढ़ घंटा दिमाग लगाया तभी ये मुझे समझ आया है, तो आप लोग इसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, आधा एक घंटा टाइम लगाया है भाई, तो दिमाग खर्चा करना पड़ता है तभी जाके ट्यूटोरियल बनता है, तो आप लोग दिल से सपोर्ट करना। तो यहाँ पे गाइज हमारा जो है कर लेते हैं जो लिरिक्स है, यहाँ पे देख सकते हो हेट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज हम लोग जो है लिरिक्स लिख लेंगे कुछ ऐसा, और यहाँ से फिर से आपको जो है स्प्लिट कर लेना है, अच्छे तरीके से सुनना गाइज। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको लिरिक्स मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही स्पीड है, मतलब स्लो है रहने को, लेकिन जो लिरिक्स है काफ़ी तबाही तरीके से पेंडुलम में चेंज होगी ना इधर से उधर, तो गाइज काफ़ी ओपी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका, हमने इसको जो है फटाफट से ऐड कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से लिरिक्स बन चुका, आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे हमारा जो है काम पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। हाँ, एक और चीज गाइस, इसमें हम लोग जो है पेंडुलम का भी यूज करेंगे, तो यहाँ पहले हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है सेव कर लेना है इसको। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऊपर में एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर गाइज आपको क्लिक करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जो आपने लिरिक्स लिख लिया ना, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्टिंग हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद गाइज यहाँ से फिर से हमें बैक कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, हो जाने के बाद यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद फिर से गाइज हमें जो है राइट पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइज अपने को ऐड कर लेना है अपनी जो लिरिक्स है उसको, फिर से एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से हम लोग डिलीट करेंगे। और यहाँ पे गाइज हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ से जो है स्प्लिट करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों उंगली की मदद से पहले जो जूम कर लेना है कुछ इस टाइप से। इसके बाद जो एक दिन आएगा ना, तो यहाँ से हम लोग स्प्लिट करेंगे। इसके बाद गाइज जो है आप लोग देख लेना, जैसे ये प्यार चेंज होगा वहाँ पे आपको स्प्लिट करना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, देख सकते हो यहाँ पे आ गया प्यार। तो यहाँ से कैसे हम लोग जो है स्प्लिट करेंगे। और गाइस इसका कोई भी और अगर दूसरा ट्रिक होगा तो मैं ज़रूर से इस पर ट्यूटोरियल डालूंगा, आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको जो भी ट्यूटोरियल चाहिए। फिलहाल मुझे ये दूसरा कोई जो है लिरिक्स के लिए एनिमेशन नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने जो है पेंडुलम को यूज़ किया है, ठीक है। आप लोग पेंडुलम ही यूज़ करके काफ़ी तबाही तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से गाइस अपने को जो है फटाफट से कुछ इस टाइप से कटिंग कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। और गाइस बाहरी नॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी दीपावली का सीज़न चल रहा है, प्लस हमारे तरफ इधर लक्ष्मी भी बिठा दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इग्नोर मारना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। और गाइस एक बात और, हाँ, अगर आप लोग MC Stan के फ़ैन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर से कर देना, और वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। MC Stan का सॉन्ग भी एडिटिंग है, तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एम करते हैं 1 के लाइक का, तो आप लोग उम्मीद है कर ही दोगे, ठीक है। तो फटाफट से कर दो लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर देना। आपको दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि ये वाला ट्रेंड अभी इंस्टाग्राम पे आया है, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है बोल के, ठीक है। तो सब्सक्राइब बिल्कुल से करवाओ, जल्दी जाके अपने दोस्तों में शेयर करो। और यहाँ पे गाइस हमारा जो है कंप्लीट होता है, बस थोड़ा सा बचा है, इसको मैं जो है स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने पूरे तरीके से स्प्लिट कर लिया है जो लिरिक्स थे, तो आप लोग भी इस तरीके से स्प्लिट कर लेना। इसके बाद गाइस हम लोग जो है इसमें पेंडुलम का यूज़ करने वाले हैं, एनिमेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से गाइस हम लोग जो है पहले एक दिन पे जाएंगे ना, तो यहाँ से हम लोग जो है एक दिन कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा सा फुल साइज करूँगा। इसके बाद एक दिन पे जाएंगे, और यहाँ पे गाइस आपको एनिमेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक दिन पे आ गया, यहाँ पे आपको नीचे में एनिमेशन मिलेगा, जस्ट जो है वॉल्यूम के जस्ट बगल में गाइस आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली हमको क्लिक करना है। इसमें गाइस हम लोग अच्छा खासा एनिमेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, तो यहाँ से आपको कॉम्बो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस आपको पेंडुलम मिल जाएगा, देख सकते हो पेंडुलम 1 पेंडुलम 2। तो यहाँ से गाइस हम लोग जो है पहले वीडियो पे पेंडुलम 1 करेंगे, इसके बाद प्यार पे करेंगे पेंडुलम 2। तो यहाँ से आप लोग जो है हल्का सा खिसकाना है, इसके बाद फिर से आपको पेंडुलम 2 कर देना है, फिर से आपको हल्का सा खिसकाना, जो कटिंग हमने की है ना उसके हिसाब से आपको कुछ इस टाइप से कर लेना है, 1 2 1 2 पेंडुलम 1 पेंडुलम 2। तो यहाँ पे गाइस अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो आपको भी कुछ इस तरीके से फटाफट से कर लेना है। जितने भी भाई आप लोग जो समझ नहीं आ रहे हैं ना, अच्छे तरीके से वीडियो को फिर से आप लोग जो है 10 सेकंड पीछे कर करके देखो, ठीक है। आप लोग कमेंट मत करना कि ये हमें समझ नहीं आया, ये भाई मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका, देख सकते हो पेंडुलम मैं जो है फटाफट से इसमें ऐड कर ले रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। लिरिक्स गाइस काफ़ी ओपी लगेगा, बता रहा हूँ 100%, दिल खुश हो जाएगा आप सभी का। तो यहाँ पे गाइस हम लोग जो है कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ जो मेन चीज़ है, इसको आप लोग जो है कटिंग करोगे ना, जो लिरिक्स है उसको स्प्लिट करोगे, उसको मेन टॉपिक है, आप लोग उसको मेन जगह से एकदम अच्छे तरीके से स्प्लिट करना, कटिंग करना, तब आपको वीडियो काफ़ी ओपी लगेगा। अरे यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, नीचे रेड बटन है उसको दबा लो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे आपके पास पहुँचे। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, इसका ओरिजिनल आइडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अपनी रील्स को अपलोड करना, जिससे आपकी रील्स वायरल होंगी, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे जाके अपलोड कर दोगे, आपकी रील्स वायरल होने के चांस बहुत ही एकदम कम मात्रा है, मतलब ना 100% में 10% है वायरल होने के चांस। और जो मैं ओरिजिनल आइडिया दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें 100 में से जो है 90% वायरल होने के चांस है। तो आप लोग जाके रील अपलोड ज़रूर से करना। यहाँ पे जो हमारा लिरिक्स एकदम अच्छे तरीके से हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो,
सो आप लोग एक बार प्ले करके जरूर से चेक कर लेना कि हमारे लिरिक्स के साथ जो म्यूजिक है वो मैच हुआ है कि नहीं। आपको मैच करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका लिरिक्स ओपी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, कुछ देर वेट करते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से एक्सपोर्टिंग हो जाने के यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो चुका। इसके बाद गाइस यहाँ से सिंपली आपको डायरेक्ट बैक आ जाना है, और यहाँ से गाइस आपको विनएडिटर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ से गाइस आपको विनएडिटर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। सकते हो बहुत सारे बंदे पूछते हैं मुझे आप लोग कौन सा ऐप यूज़ करते हो, भाई VN है। VN में अपनी वीडियो को आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह पार्ट वगैरह मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा सा स्लोमो ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा वीडियो है 15 सेकंड का हो जाए, क्योंकि सॉन्ग ही 15 सेकंड का है जिससे आपको पूरा लिरिक्स ऐड होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको अच्छे तरीके से लिरिक्स ऐड कर लेना है, मैंने बता दिया है। अगर आप लोग को वही वाला लिरिक्स चाहिए तो 10 कमेंट हो जाने पर उसी लिरिक्स के ऊपर, मतलब लिरिक्स चाहिए बोल के कमेंट आ जाए तो 10 कमेंट आ जाए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना। लिरिक्स वगैरह मटेरियल तो वैसे भी देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से गाइस मैंने जो है थंडर इफेक्ट इसमें ऐड कर लिया, सिंपली इसको मैं फिल करूँगा। इसके बाद गाइस हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से गाइज मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, क्योंकि गाइज ये जो हमारा वीडियो है, जो थंडर वाला वीडियो है ना, ये केवल 7 सेकंड का है। सो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा गाइज। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से आपको एकदम लास्ट में लेके जाना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा परफेक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमारा पूरे तरीके से साइज पे आ चुका है। इसके बाद गाइस हमारी जो वीडियो है इसको हम लोग जो यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, और बाकी आपको प्रोसेस वगैरह पता ही है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा करता ही रहता हूँ। तो यहाँ से हम लोग जो है सिंपली फॉरवर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से गाइस हम लोग जो है इस तरह पार्ट को डिलीट करेंगे फटाफट से। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको बैक करूँगा, ठीक है। बैक करने के बाद गाइस यहाँ से फिर से आपको जो है रीओपन कर लेना है, इसको रीएड नहीं करना है, इसको फिर से रीओपन करेंगे तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गाइस सिंपली आपको इसको स्क्रॉल कर देना है आपका स्काई, अगर आप लोग ज़्यादा दिखाना चाहते हो, आपने वीडियो में जो है अपने मॉडल या फिर नीचे जो भाग है उसको ज़्यादा ले लिया है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से क्रोमा के करेंगे, तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस टाइप से क्रोमा के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम ओपी तरीके से जो हमारा क्रोमा के हो चुका है, यहाँ पे कोई भी वाइट पार्ट जो वगैरह है नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरे तरीके से रिमूव हो चुका है अच्छे तरीके से जो हमारा स्काई था। इसके बाद गाइस हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हो इतने में गाइस जो है वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है मैच निखा रहा है जो हमारा मॉडल का वीडियो है। तो यहाँ से गाइस हम लोग करेंगे क्या, इसको मैच करने के लिए यहाँ पे गाइस सिंपली आपको जो डुप्लीकेट कॉपी है ना, ठीक है, डुप्लीकेट वीडियो उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको सिंपली फिल्टर्स वाला ऑप्शन जाना है, एडजस्ट पे जाना है, एक्सपोजर को हल्का सा आपको माइनस पे लेना है कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को आप लोग 100 भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, एक्सपोजर को गाइस आपको सैचुरेशन को आपको हल्का सा माइनस पे लेना है कुछ ऐसा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा थंडर के साथ हल्का हल्का मैच भी हो चुका है, तो आप लोग इसको पूरा माइनस पे रखना चाहते हो रख सकते हैं, हमें अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका। इसके बाद गाइस यहाँ से फिर से वीडियोस फोटो पे जाऊँगा, और यहाँ से गाइस अपने को जो है बर्ड को ऐड कर लेना है। यहाँ पे गाइस ये वाला बर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग बर्ड है, और गाइस इंस्टाग्राम पे ये वाला बर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जितने भी एस्थेटिक क्रिएटर है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वाले बर्ड का। तो आप लोग भी इसका यूज़ करो, वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग बस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है, कैमरा अच्छा रखो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद गाइस हम लोग जो है लिरिक्स भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बर्ड है थोड़ा नीले कलर का दिख रहा है या ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसको गाइस हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से फिल्टर पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे, एक्सपोजर को पूरा माइनस पे लेंगे, और यहाँ से राइट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बर्ड था यहाँ पे ब्लैक मतलब डार्क हो चुका है। तो आपको भी ऐसे कर लेना है एक्सपोजर को माइनस। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बर्ड है एकदम मतलब छोटा ही साइज पे है, ज़्यादा फुल साइज नहीं है, तो इस पे गाइस हम लोग जो है और बर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बर्ड इसमें आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक जो है बर्ड है PNG है वो भी ट्रेंडिंग है, तो उसको भी आपको इसमें ऐड करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए, तो एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना। गाइस एक बात और आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको अगर कैप कट नहीं मिल रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना, फिर नीचे कमेंट में मत बोलना कि हमें कैप कट एप्लीकेशन नहीं मिला। आप लोग टेलीग्राम पे भी कमेंट करते हो, भाई टेलीग्राम पे ही पिन है वो, आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा पिन का, उस पर क्लिक करोगे तो वो जो है
कैपकट के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग डाउनलोड जरूर से कर लेना। यहाँ पे गाइस जो हमारा बर्ड था, मैंने दूसरा वाला और एक बर्ड जो ट्रेंडिंग है इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद गाइस इसका हम लोग क्रोमा के करेंगे, जिससे इसका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस सिंपली आपको क्रोमा के पे जाना है, तो यहाँ पे गाइस आपको क्रोमा लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से आपको आ जाना है क्रोमा, यहाँ पे देख सकते हो क्रोमा, उस पर क्लिक करना। और यहाँ पे गाइस आपको कुछ स्टेप से इसको जो है इस स्लेटे को बढ़ा देना है, स्पिल को पूरा माइनस पे लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको फिर से फिल्टर्स पे जाके, रजिस्टर पे जाके एक्सपोजर को पूरा माइनस पे लेना है, यहाँ पे डन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो चुका, देख सकते हो काफ़ी ओपी लग रहा है गाइस। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो गाइस एक कमेंट तो बनता है यार। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ ऐसे वीडियोस लाने के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर से करना। और हाँ गाइस, यहाँ से फिर से आपको टैप डोर स्टिकर वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से जो लिरिक्स है जो हमने कैपकट एप्लीकेशन से एडिट किया है उसको सिंपली हम लोग ऐड करके फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से स्क्रीन कर देना है, और यहाँ पे गाइस अपने को जो है प्ले करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमारा लिरिक्स है कुछ इस टाइप से आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है प्ले करते हैं। अब थोड़ा सा जो म्यूजिक है इसके बाद जो लिरिक्स है ओपन हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ इसमें म्यूजिक ऐड करना ही भूल जा रहा था, तो यहाँ से मैं जो है फटाफट से म्यूजिक इसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से गाइस आप लोग जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जो म्यूजिक है उसको, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे मटेरियल मिलेंगे, ठीक है, डाउनलोड जरूर से कर लेना। यहाँ पे गाइस मैंने म्यूजिक को चॉइस कर लिया है, इसके बाद सिंपली इसको मैं प्ले करूँगा। फिलहाल आपको म्यूजिक सुना नहीं सकता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, MC भाई कॉपीराइट दे देंगे भाई, तो आप लोग इग्नोर मानना। यहाँ पे आप लोग जो है लिरिक्स को छोटा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग जो है एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसा आप लोग कैपकट से बड़ा लिखना चाहते हो तो बड़ा लिख के यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग जो है ब्लेंडिंग को चेंज करके काफ़ी तबाही तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी ओपी जो हमारा लिरिक्स है, एकदम बवाल लग रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा। ये वाला ट्रिक गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसको गाइस मैं अभी रिसेंट इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगा, तो आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, फॉलो जरूर से कर लेना। गाइस तो आप लोग लिरिक्स को और छोटा रखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग जो एडजस्ट करना है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी ओपी तरीके से हमारा लिरिक्स आएगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको एक्सपोर्ट करके जो है प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, इसके बाद गाइस यहाँ से जो हमारा वीडियो है कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से जो हमारा वीडियो है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना, स्टैंड के फैन हो तो वीडियो पे लाइक जरूर से कर देना। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वायरल ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।